अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एनएमएमसी आयुक्त से मिले विधायक गणेश नाई, कोरोना से बचाने पर्याप्त चिकित्सा इंतजाम करने एवं स्कूल दुकानों को खोलने की मांग। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री गणेश नाईक ने सोमवार को नई मुंबई मनपा आयुक्त एवं प्रशासक एबी मिसाल से मुलाकात की और नई मुंबईकरों को कोरोना संक्रमण से बचाने जरूरी एवं पर्याप्त चिकित्सा इंतजाम करने की मांग दोहराई। मनपा मुख्यालय बेलापुर में आयुक्त के साथ 15 मिनट तक चली चर्चा में विधायक गणेश नाईक ने वाशी के मनपा अस्पताल को कोविड फ्री करते हुए उसे पूर्ववत करने, एमआईडीसी और एपीएमसी में अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर स्थापित करने, मानसून पूर्व कार्यों को तत्काल निपटाने एवं स्कूलों को शुरू करने जैसे अनेक मुद्दे आयुक्त के सामने रखे और तैयारियों का जायजा लिया। गणेश नाईक ने कहा कि हम लगातार पर्याप्त चिकित्सा इंतजाम करने की लिखित मांग कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित इंतजाम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हम नई मुंबईकरों के हित में आंदोलन भी करेंगे। देखिए बेबी, जैसा बारिश नजदीक आ रहा है और बारिश के मौसम में वो जो कोई डिसीज फैल जाती है उसके लिए आज के तारीख में अपने पास कोई सुविधा नहीं रही है। तो माननीय आयुक्त जी को मैंने ये सूचित किया है कि सिडको एग्जीबिशन सेंटर में जो 1200 कॉट का जो ऑक्सीजन के साथ उसके बाद में जनरल ऐसे जो कॉट्स बनने वाले हैं वो पूरा कोविड का सेंटर उधर बनाया जाए। जरूरत पड़ी तो कामगार राज्य बीमा योजना का हॉस्पिटल उसमें उसको भी उसमें तब्दील किया जाए और ये वासी का अपना जो जनरल हॉस्पिटल है नेरुल का, ऐरोली का, ये लोगों को जनरल डिसीज के लिए जिसे मलेरिया का कोई प्रॉब्लम है, किसको खांसी हुई है, किसको सर्दी हुई है, तो वो जो इलाका उनको मिलना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट में जो जिधर अपने लोगों को भेजा गया है तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल सभी हॉस्पिटल के लोगों को सुविधा होने के बावजूद भी नहीं दे रही है, ऐसी यहाँ पे बात की गई। अभी 2/3 पेशेंट्स अपने यहाँ से वापस गए, घर गए, 1/3 पेशेंट्स अभी चालू है। उम्मीद करते हैं कि ये जून एंड तक इसका जो रेट है 0 आएगा और उसके बाद में नई मुंबई कोरोना मुक्त हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। उनको हमने ये भी बताया कि अभी जो महापालिका के कर्मचारी है उनको भी ये तो उनको अपन कोविड योद्धा बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ गलत कोई वक्त आ गया तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन आज तक नहीं था। तो उनको मैंने बोला कि जो महाराष्ट्र सरकार ने 50 लाख का बीमा उनके परिवार के लिए मिलना चाहिए, तो आज उन्होंने बोला कि हम लोग जल्दी आज या कल अनाउंस करते हैं, देखते हैं। जो शहर में डॉक्टर्स है उनको PPE किट्स प्रोवाइड किए जाए, मास्क उनके स्टाफ के लिए, ताकि खाजगी डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल भी हिम्मत से लोगों की सेवा करने में तैयार हो जाए। कोविड की टेस्ट जिस इलाके में कोविड के पेशेंट्स हुए ऐसे वहाँ पे महापालिका की ओर से कोविड की टेस्ट शुरू होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने भी बोला है कि उस पर भी हम लोग अमल करने वाले। आने वाली जो बारिश की वजह से बीमारी उसके लिए आरोग्य डिपार्टमेंट सतर्क रहना चाहिए। कल जाके शासन ने बोला कि बस शुरू कर जाए तो अपनी बस की जो भी मरम्मत है वो भी करके रखनी चाहिए। आज एजुकेशन फ्रॉम होम, घर से पढ़ाई है ठीक है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ी तो स्कूल के बिल्डिंग की उस इलाके की मरम्मत भी पूरी होनी चाहिए। एक लैब का निर्माण करें जिसमें कोविड और बाद में जनरल बीमारी का भी टेस्टिंग हो जाए और उसके लिए मैंने बोला अपना हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, वो हॉस्पिटल में हो जाएगा तो फिर से वहाँ पे कोई फैला होने की संभावना अपन ना नहीं बोल सकते। MIDC इलाके में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ हैं, IT की कंपनियाँ हैं कि जो बन के ऐसी रुकी है कि जिसमें करीबन और 1000 पेशेंट लोगों का वहाँ पे यानी
कोविड के पेशेंट्स लोगों का रख सकते हैं। मैंने जो हम लोगों ने करीब मैंने 10-15 पत्र लिखे उनका जवाब मैंने 8 दिन में मांगा कि आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, और फिर से 8-10 दिन के बाद में हम आने वाले हैं। और मैंने ये भी चेतावनी दी कि यदि आपका स्टाफ सही ढंग से काम न करने के कारण यहाँ पे कोई संख्या बढ़ने लगी तो हमें मोर्चा के साथ में भी आना। ये हम लोग पॉलिटिकली ये मूवमेंट करना ये अनुचित है, लेकिन जनता के हित में, जनता के बचाव में हमारे जैसे लोग आगे आएंगे तो कौन आएगा। वहीं भाजपा विधायक गणेश नाइक की मांगों के जवाब में आयुक्त एवं प्रशासक एवी मिसाल ने कहा कि वासी के कोविड केयर सेंटर के निर्माण में कोई देरी नहीं हो रही है और हम सभी सुविधाओं के साथ 7 जून से प्रारंभ करने वाले हैं। मनपायुक्त ने कहा कि फिलहाल स्कूल नहीं खुल सकेंगे, लेकिन छात्रों की पढ़ाई के लिए ई लर्निंग पद्धति अपनाने की तैयारी में है, जिससे छात्र घर से ही पढ़ाई कर सकेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लगातार ठीक होकर घर लौटने को सकारात्मक संकेत बताते हुए आयुक्त ने नवीन बैकरों से आह्वान किया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सावधान रहकर उसके साथ जीने का तरीका सीखने की जरूरत है। हमारे पास पर्याप्त नंबर में बेड शुरू से ही अवेलेबल है, तो ये कहना गलत है कि हम देरी कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं, तो गलत है। कोविड हेल्थ सेंटर में भी सफिशिएंट बेड्स अपने पास अवेलेबल है, कोविड हॉस्पिटल में सफिशिएंट बेड अवेलेबल है, और सिडको एग्जीबिशन सेंटर का जो काम किया है वो रिकॉर्ड टाइम में हम कर रहे हैं कि 8-10 दिन 12 दिन में इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वो हॉस्पिटल का एक हॉल वो पूरा एक ही है, मतलब पूरा एयर स्पेस एक है, अलग अलग ऐसे रूम्स बंद रूम्स नहीं है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक एरिया में 200 लोगों को फैसिलिटी करे और बाकी बाजू में काम चलते रहे, वो इन्फेक्शन बढ़ेगा उससे। तो एक पूरा काम वहाँ सिचुएशन ऐसा है कि वो काम पूरा करके ही वहाँ फैसिलिटी हम शुरू कर सकते हैं। और अपने और 4 एडिशनल फैसिलिटी हमने क्रिएट की है कि नेहरू मल्टीपर्पज़ सेंटर है, वहाँ 60 बेडेड अभी फैसिलिटी शुरू हो गई। अग्रिकुली भवन है, वहाँ 100 बेड है। एरोली मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ 100 बेड है। कोपरकरणी मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ 76 बेड है। ये अलग अलग ये भी फैसिलिटी हमने किया है। APMC में भी एक 400 बेड हो सकता है, ऐसा एक बिल्डिंग है एक्सपोर्ट हाउस का, तो वहाँ 400 बेड का वो हो सकता है। तो हमने APMC को लेटर दिया है कि आप वो फैसिलिटी तैयार करो, बाकी हम चलाएंगे। इसमें ई लर्निंग के माध्यम से ये शिक्षा चलती रहेगी और वो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इसलिए हमने और अलग अलग माध्यम से, जैसे हम वर्चुअल क्लास जो है यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, या ऐप बेस करने का भी हमने उनको बताया है। तो और बुक्स जो है, बुक्स हमें मिले हैं, वो बुक्स अभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि हमने जो भी उपाय योजना की है और लोगों ने भी हमें बहुत अच्छा सहकार्य दिया है ये पूरे 3 महीने में, तो ये हिसाब से शायद केसेस बढ़ भी जाएंगे तो लोगों में घबराने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेशन भी पूरी व्यवस्था कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।